Kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study time. Abhi kaun sa time hai bachche hamara? Study time hai. Aur aaj hum log study time mein kya karne wale hain? Aaj hum log study time mein jo ye aapki Fitzroy story book hai, isme se story number 10 hamari bilkul thodi si reh gayi thi. Aaj usko complete karenge, jitni hum kar chuke hain usko revise karte hue hum aage ki usko complete karenge aur main aapko us story se based kuch questions bhi puchungi, aap mujhe uske answers bhi doge. Okay beta, so shall we start? Okay, let's start. सबसे पहले तो बेटा जो स्टोरी में करवा चुकी हूँ ना, जितनी हम उसको रिवाइज करेंगे उसके बाद जो हमारी रह गई है ना वो मैंने बोर्ड पर भी लिखी है, आपको बोर्ड से भी करवाऊंगी और इस बुक से भी करवाऊंगी. ओके बेटा, तो आपकी स्टोरी का नेम क्या है? जॉन एंड हिज फॉक्स. जॉन और उसका फॉक्स. फॉक्स क्या है? एनिमल है. और ये बॉय क्या है? जॉन है. तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना. अ एन मैन had a hat, a tent. A man had a tent. इस man के पास एक tent है. His name, N-A-M-E name, was John. इस man का name क्या है? John है. इसके पास एक tent है, इसका name John है. John had a pet fox. जॉन के पास एक पेट है जो फॉक्स है. एक ऐसा एनिमल है जो पालतू है और वो एनिमल कौन सा है? फॉक्स. द फॉक्स हैड अ डेन. और उस फॉक्स के पास एक डेन भी है. डेन मतलब उसका घर. द डेन. ओके, उसका घर. जो एनिमल का घर होता है उसको डेन बोलते हैं. ओके, लॉयन का हाउस भी डेन होता है. ओके, ऐसे ही फॉक्स का हाउस भी डेन होता है. देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है. John had a very very big cup of milk. John had a very big cup of milk. John के पास एक इतना बड़ा कप है जिसमें मिल्क है. ओके, the fox soon got the cup of milk. तो फॉक्स ने क्या किया? जल्दी से आई और उस मिल्क, जो जिस कप में मिल्क था उसको ले लिया. ओके, अब नेक्स्ट पेज पर चलो. नेक्स्ट पेज पे क्या है? द फॉक्स हैड द मिल्क एंड वेंट टू हिज डेन टू प्ले. अब फॉक्स ने क्या करा? मिल्क का कप लिया और अपने डेन में चला गया प्ले करने के लिए. अपने घर में चला गया प्ले करने के लिए. नेक्स्ट क्या है? अ कप सैट ऑन अ रॉक इन द डेन. उसके डेन में एक रॉक थी. रॉक मतलब चट्टान, पत्थर था. उसने क्या किया? उस कप को वहां पर रख दिया. द फॉक्स हैड अ वेरी बिग सिप ऑफ मिल्क. और उस फॉक्स ने क्या किया? एक बहुत बड़ा सिप मिल्क का भरा अपने माउथ में, अपने मुंह में ऐसे करके सिप किया उसने. ओके बेटा, नेक्स्ट पेज हमारा क्या है? द कप फेल ऑफ द वेट रॉक. अब जो वो कप था ना, वो रॉक कैसी थी? गीली थी. वेट रॉक था, वेट पत्थर था, वेट चट्टान थी. तो वो उससे गिरने लगा. कप जो है वो फेल ऑफ मतलब गिरने लगा. द फॉक्स सून गॉट द कप बैक. लेकिन फॉक्स कितनी क्लेवर है, उसने क्या किया कि उस कप को जल्दी से पकड़ लिया. जैसे ही वो गिरने लगा ना, उसने फटाफट उसको संभाल लिया और उसको गिरने से बचा लिया. कप बैक वापस ले आई अपने पास. नेक्स्ट हमारा क्या है? जॉन हैड अ वेरी सॉफ्ट रैग डॉल. जॉन के पास एक बड़ी ही सॉफ्ट रैग डॉल है. ओके, रैग मतलब जो कपड़े से बनी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट. ही हैड अ पॉट ऑफ रेड जैम टू. और उसके पास बेटा एक पोट है. किस चीज का? रेड कलर की जैम का. ओके, रेड जैम का क्या है? एक पोट है, उसमें क्या है? जैम है. किसके पास है वो? जॉन के पास. और क्या है जॉन के पास? एक रैग डॉल. नेक्स्ट पेज पे क्या है? द रैग डॉल हैड अ वेरी बिग
लिक ऑफ जैम, लिक होता है बेटा चाटना। अब क्या किया उस रैग डॉल ने, बहुत बड़ा टंग निकाली, बहुत लंबी सी टंग निकाली और उस जैम को लिक करने लग गई, चाटने लग गई। ओके, यहां तक आप पढ़ चुके थे। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन जो क्या है हमारी, वो ध्यान से देखिए आप, जॉन एंड द फॉक्स, एल आई के ई होता है बेटा लाइक, जैम टू, जॉन और जो फॉक्स दोनों हैं, उन दोनों को जैम बहुत पसंद है, जैम लाइक करते हैं। अ बिट ब इट बिट ऑफ जैम ग ऑट गॉट ऑन जॉन्स ग लेग, अ बिट ऑफ जैम गॉट ऑन जॉन्स लेग, उसमें से क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा जो जैम है, बिल्कुल थोड़ा सा, अ बिट ऑफ जैम गॉट ऑन जॉन्स लेग, जॉन की लेग पर गिर गया। ओके, अब इस पिक्चर में देखो, जॉन एंड द फॉक्स लाइक जैम टू, फॉक्स को भी और जॉन को भी जैम बहुत पसंद है। अब उसकी पेंट पर ये गिरा हुआ ना जैम देखो आप, अ बिट ऑफ जैम गॉट ऑन जॉन्स लेग, जॉन की लेग पर जो है जैम गिर गया थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है बेटा, द फॉक्स स्मेल्ट 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 द जैम, द फॉक्स स्मेल्ट द जैम। अब जैसे ही वो जैम गिर गया ना, फॉक्स को ना ऐसे करके स्मेल करने लगी जैम की। ओके, ही हैड अ लिक ऑफ जैम फ्रॉम जॉन्स लेग, अब उसकी लेग पर गिरा हुआ था तो फॉक्स क्या करने लगा, ऐसे ऐसे करके ना लिक करने लगा, उसकी लेग से चाटने लग गया। ठीक है, यहां पर आप देखो क्या है, द फॉक्स स्मेल्ट द जैम, फॉक्स ने जैम को स्मेल किया, he had a lick of jam from John's leg, उसने जॉन की लेग से उसको लिक करना शुरू कर दिया, चाटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, जॉन हैड अ वेरी बिग टेंट, जॉन के पास एक बहुत बड़ा टेंट है, द फॉक्स वेंट विद जॉन टू द टेंट, जो वो फॉक्स है वो भी जॉन के साथ उस टेंट में चला गया। ये देखो, जॉन हैड अ वेरी बिग टेंट, जॉन के पास कितना बड़ा टेंट है, और द फॉक्स वेंट विद जॉन टू द टेंट, जो फॉक्स है वो भी जॉन के साथ टेंट में चला गया। ओके, इसके बाद हमारी लास्ट लाइन क्या है, जॉन एंड द फॉक्स एंड द रैग डॉल हैड द मिल्क एंड द जैम इन द वेरी बिग टेंट। ध्यान से देखो, जॉन एंड द फॉक्स, जॉन और जो वो फॉक्स था, एंड द रैग डॉल और जो वो रैग डॉल थी, थ्री थ्री जने थे ना इसमें, कौन कौन, जॉन फॉक्स और रैग डॉल, हैड द मिल्क, अब तीनों के पास क्या था, मिल्क था और जैम थी, और वो तीनों के तीनों इन द वेरी बिग टेंट में चले गए। ओके, देखो क्या है, देखो लास्ट लाइन, जॉन एंड द फॉक्स एंड द रैग डॉल, ये जॉन है, ये फॉक्स है, ये रैग डॉल है, इनके पास मिल्क का कप है और जैम है, और ये कहाँ चले गए, बिग टेंट में। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, द वर्ड्स वी हैव यूज, जो जो वर्ड्स हमने स्टोरी में यूज किए हैं, अब वो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, वर्ड्स वी हैव यूज, वो वर्ड्स जो हमने इस स्टोरी में, स्टोरी नंबर 10 में यूज किए हैं, क्या क्या यूज किए हैं बेटा, सबसे पहले तो जिसका नेम होता है ना वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये है जॉन, ये फोनिक साउंड से नहीं होगा, J O H N, John, okay, V E R Y, very, R O K, rock, S O F T, soft, D O L, doll, L I K, lick, S M A L T, smelt, T A N T, tant, H E, he, B A K, back, ओके okay, क्या क्या वर्ड्स हमने यूज किए, जॉन, वेरी, रॉक, सॉफ्ट, डॉल, लिक, स्मेल्ट, टेंट, ही एंड बैक। ओके बेटा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ, आप मुझे उसका रिप्लाई करोगे, उसका आंसर दोगे। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, उस बॉय का नेम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय, बॉय का नेम क्या है जल्दी से बताओ, मैंने बताया है ना, द नेम ऑफ बॉय इज जॉन, उस बॉय का नेम क्या है,
जॉन है ना, द नेम ऑफ द बॉय इज जॉन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट जॉन हैव, जॉन के पास क्या क्या था, क्या था जॉन के पास, जॉन हैव डॉल एंड फॉक्स, जॉन के पास एक रैग डॉल थी और एक फॉक्स था, तो जॉन हैव डॉल एंड फॉक्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉल लाइक्स टू ईट, डॉल को क्या खाना पसंद था, डॉल लाइक्स टू ईट जैम, डॉल जैम खाती थी ना, उसको जैम पसंद थी ना, तो डॉल लाइक्स टू ईट जैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर दे वेंट, वो तीनों के तीनों कहाँ गए, दे वेंट टू टेंट, वो टेंट में चले गए थे ना टेंट में। तो ओनली फोर क्वेश्चन ही है, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय, द नेम ऑफ द बॉय इज जॉन, व्हाट जॉन हैव, जॉन हैव डॉल एंड फॉक्स, व्हाट डॉल लाइक्स टू ईट, डॉल लाइक्स टू ईट जैम, वेयर दे वेंट टू टेंट। ओके बेटा, आज आपकी ये स्टोरी 10 कंप्लीट हो गई है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में जो आपकी दूसरी बिग वाली फिट्ज़रॉय बुक है ना, हम उसमें से करेंगे रिवाइज। अब ये बुक कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे आपकी न्यू बुक, आपकी जब नई क्लास नेक्स्ट क्लास होगी तो। ओके बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर।